हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पर रखी है कढ़ाई, कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा चटक गया है। उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें अजवाइन, अजवाइन डाली थी और डाली थी मैंने राई, डाली थी इसमें और थोड़ा सा डाली थी मैंने, थोड़े सा क्या मतलब जितना लगता है उतनी डाली थी हींग। और फिर उसके बाद मैंने एक मिर्च काट ली थी और यहाँ पे प्याज लगा दिया छौंके के लिए। तो बन क्या रहा है, कद्दू की सब्जी बन रही है और बहुत टेस्टी बनी थी वो, अच्छी लग रही थी खाने में। इनको अच्छी लग गई तो मुझे तो अपने आप अच्छी लग जाती है। तो ये सब चीज़ हो चुके हैं, इसमें वो मसाले डाल लेती हूँ, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक। नमक तो पहले मैं डाल चुकी थी, तो अब इसे भून लेती हूँ। जब मसाले भून जाएंगे इसमें थोड़ा सा मैं कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। आजकल थोड़ा बरसात का सीज़न है, कस्तूरी मेथी वो हो रही है, थोड़ी सी सिल जैसी जा रही है। तो इसमें मैंने थोड़े से डाल दिया था कस्तूरी मेथी, और उससे पहले मैंने डाला था इसमें किचन किंग मसाला। तो कभी लगता है ना कि इन सब्जियों में डालना चाहिए, तो उनमें मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने कद्दू ना कुकर में काट के कुकर में उबालने के लिए रख दिया था और उसमें थोड़ा नमक डाल दिया था। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होगी और एकदम से कद्दू गल जाता है, तो इसलिए कुकर में बनाया। और फिर दाड़ू से मैंने उसे खूब मैश कर लिया था, अच्छी तरीके से गजून लिया था बोलते हैं हमारा, तो मैंने उसे गजून लिया था दाड़ू से। मम्मी बोलती है अच्छी से गजून लेना, तो गजून लिया था मैंने अच्छी से। और इसके बाद मैंने मसाले हो चुके थे, मसालों में डाल दिया था कद्दू और बस 2-3 मिनट के लिए से फिर से मैंने अच्छे से मसालों में मिक्स होने के लिए ये गैस ऑन करके ही छोड़ दिया था, प्लेट में ढक्कन लगा के। और वाकई में बहुत टेस्टी हुई थी कद्दू की सब्जी। अंशिका को भी पसंद आई थी, मेरे हस्बैंड को भी पसंद आई थी, तो सोचो कि टेस्टी बनी होगी। तो मेरे को तो सब पसंद आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कद्दू की सब्जी बन के रेडी है, आप लोग भी इस तरीके से बनाना ज़रूर। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ, तो आटा गूंद रही थी, पानी नहीं था, मैं आटा गूंद लेती हूँ। और ये देखिए हमारे नवाब साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी साइकिल धो रहे हैं, गाड़ी। और इस लड़के ने बीच पोर्च में पानी पानी कर दिया। यहाँ पे वैसे इनकी बाइक खड़ी थी, तो ये बाइक लेके बाहर को गए, तो मैंने सोचा इसको साफ़ करूँगी, झाड़ लगाऊँगी। तब तक अनित वहाँ से बाहर गए और अपनी गाड़ी के धोने के लिए पानी डाल के आ गए। ये देखो हो गया इसका काम पूरा। क्या हो रहा है ये? क्या क्या कर रहे हो आप? अंश, ये लड़का ना टीवी देख, मैं टीवी बंद कर दूंगी, देख लेना। बंद कर दूं? कर दूं? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आपका मेरे चैनल में, उत्तराखंड ब्लॉगर। मेरे नहीं, आपके चैनल में, गलती हो गई, बोलती हूँ ना मेरे चैनल, मेरा कहाँ से है, जो आप हैं तभी तो ये चैनल है ना। शाबाश, बहुत अच्छा करा टीवी बंद कर दिया। बंद तो नहीं हुआ, चैनल वो हो गया, चेंज हो गया। शाम का टाइम है, 5:20 हुए हैं और मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी चीज शेयर करनी है। तो क्या हो गया आप गेस करना, ठीक है। और आजकल मैं ब्लॉग नहीं बनाए हैं मैंने बहुत दिन से, कल वीडियो डाला था अंशी का थोड़ा, मैंने कल वीडियो डाला था, वो भी ऐसे ही था, बात करी थी आप लोगों से, कुछ मैसेज देना चाहती थी, मतलब आप समझ गए थे क्या था, आपने देख भी लिया है। और ये वीडियो और जो चीज़ मुझे शेयर करनी है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है मुझे। और टाइम मैंने बता दिया आपको, आज है शुक्रवार है, तारीख 10 जुलाई है। अनित घुसा है वहाँ, देखो वो देखो अनित को, ये शैतान लड़का, ये जब टीवी देखता है ना किसी को नहीं देखता है, बस ये अपने में लगे रहता है। और इस लड़की ने रिमोट का ये हाल कर दिया, यहाँ फेंक दिया। टीवी नहीं है, पता नहीं क्या है इन लोगों के लिए, अमृत है, अमृत है। और बारिश का मौसम हो रहा है, आप लोग के उधर भी हो रही होगी बारिश, तो सभी जगह हो रही है, पर इतनी ज्यादा नहीं हुई, कम हुई, तो इतनी बारिश तो नहीं हुई थी। मौसम काफ़ी भयंकर हो गया था, बहुत ज़्यादा, सुबह से ही हुआ था। और हल्द्वानी जहाँ हमारा घर है वहाँ तो बहुत भयंकर बारिश हुई है। ये मैंने ना, इसमें गोल्डन कलर का है ना ये, तो ये
क्या इसका स्किन कलर की गोल्डन कलर की बिंदी लगाई हुई है, अच्छी लगती है ऐसे मैचिंग मैचिंग लगाना। तो मैं आप लोग के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे घर में आ चुकी है संडे को, मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था तो मैं आज शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत खुश हुई जब वो मेरे घर में आया सामान। और चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज और बताना कैसा है, और उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। ये भी मैं आपको क्या दिखाना चाहती हूँ, धीरे धीरे देखना ठीक है। ये देखिए क्या है, ये हमारा बेड आ गया है। तो मैं ये दिखाना चाहती थी आपको, वैसे तो अंजिका के लिए चादर भी नहीं है, तो ये वैसे तो संडे के दिन आ गया था पर मैं आप लोग को आज दिखा रही हूँ। इधर से भी दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए अब कमरा दिख रहा है कुछ ऐसा। ये कैसा लगा है जरूर बताना। अंजिका कहते इसे खोल के भी दिखा दो, मैं यहाँ से ना ऐसे खोलने का है। और मेरा क्लच वहाँ पड़ा, मैं कब से ढूंढ रही हूँ इसको। और अभी इसके अंदर नहीं, वहाँ रख दो, यहाँ नहीं बेटा, मेरे को चाहिए वो, मत करो। आपने कहाँ डाल दिया, ऐसी सजा नहीं करते है। और यहाँ मैंने थोड़ा सामान भी रख दिया है, अपनी पड़ जाती है इनको, वहाँ रख दो इसको। ये इसको भी बंद कर दो, ये बटन तो क्या अभी रहने दो। तो देख लिया आपने क्या था, क्या आया था संडे के दिन। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेड आ गया है, धीरे धीरे सामान जुड़ा मेरे घर में। सबसे ज्यादा तो मैं हूँ, सबसे ज्यादा तो अंशी का है। अभी कॉलेज लेके क्या करना है, कौन सा सीसा, ऐसे काम रहते हैं इनके सारे दिन, भर यहाँ साफ करूंगी तब तक वहां गंदा, वहां साफ करूंगी वहां गंदा। अभी ना अभी मैं अंदर साफ कर रही थी, इन्होंने पहले अंदर गंद मचाई, अंदर साफ करा, तब तक ये बाहर जाके पूरा पोर्च में करके आ गए। पता नहीं क्या करके आए, मुझे नहीं पता, पानी पानी करके आ गए। यहाँ का लाइट पंखा बंद कर देती हूँ, मैं यहाँ जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का हाल ऐसा कर रखा है इन्होंने बाहर, ये पूरा फैला फैला। आपको तो इसमें दिखेगा नहीं, मुझे दिखेगा मुझे दिखेगा। ये अनित मां से यहाँ लौट पोट हो रहे हैं, या तो इनको बाहर जाना होता है या बिस्तर में लेट रहना होता है, ये रहता है इनका। तो शाम का टाइम हो गया है, मैं अभी इनके लिए बच्चों के लिए बनाती हूँ दूध और मैं पीऊंगी। चौकोस बनाओ और नवाबजादे की फरमाइश से देखो, चौकोस बनाओ। अच्छा दूध पी लिया था ऐसे बोला। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ अंशिका, और मैं तो पीऊंगी लस्सी, करे बनाऊंगी दूध। और ब्लॉग में आज मैं ज्यादा पता नहीं क्या दिखाऊंगी, मुझे खुद भी नहीं पता है अभी आपको दिखाती हूँ उन्होंने कुछ बनाया है। और आप देखो ना, आपको हंसी आ जाएगी। पहले मैं अंशिका का दिखाती हूँ आपको, ये क्या है, नाम भी तो बॉडी मसल पीछे का भी बनाने हैं। ये हार्ट अटैक में देख के इन्होंने बनाया है। अनित का दिखाओ, ये अनित ने बनाया, अनित क्या बनाया बेटा, ये क्या बनाया इतना छोटा सा, मेरी बेबी ने हार्ट अटैक बनाया। ये क्या है, ये बॉडी है अनित की, बॉडी कैसे लगाओगे दिखा दो, इसमें दिखा दो कैसे लगाओगे, दिखाओ बॉडी। ये देखो ऐसे लगाया कर, मुझे तब देख के बड़ी हंसी आ रही थी, अनित की जैसी बॉडी अनित ने ऐसे बनाया। अंशिका ने अनित के लिए मैं बनाऊंगी, अच्छा अच्छा ठीक है बेबी। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स,
अच्छा फिर से आगे वीडियो में, आज वीडियो में कुछ भी नहीं दिखाया, अभी हमने खाना नहीं खाया है, बस अब रोटी बनाने जा रही। तो मैंने सोचा वीडियो की एंड कर लेती हूँ, तो मैं अपनी फ्रेंड के आगे थी, देखो उसने मुझे क्या दिया, कितनी है ये, और दिखाती हूँ ये देखो, और तीज नहीं आया, उसने मुझे तीज का सामान पहले ही दे दिया, ये हरी हरी चूड़ियाँ सावन के महीने की, थैंक यू पूजा, ये देखो अच्छी लग रही ना, सावन का है, तीज का, ये मेरा हेयर बैंड, थैंक यू आंटी हेयर बैंड के लिए। तो आज की वीडियो में कुछ भी खास नहीं है, बस यूं ही बना दी मैंने, मन ही नहीं कर रहा था, मैंने सोचा था बाहर का मौसम वगैरह दिखाऊंगी आपको, पर मैं भूल गई, मैं वहाँ चले गई उसके यहाँ, तो फिर उसके बाद मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई, अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, और मैंने सोचा कि मैं वीडियो में एंड कर देती हूँ, आपको बाय बाय बोल देती हूँ। तो कल को मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, आज की वीडियो को एंड में यहीं पर कर लेती हूँ, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और फॉर्मेलिटी क्या, जिसे जिसे अच्छी लगती है वो तो बिना कहे भी कर लेते हैं, जिन्हें नहीं लगती उनसे कितना भी कह दो नहीं करेंगे, सही बात है, जब हमें अच्छा लगेगा तभी हम करेंगे, वो चीज़ तो राइट है, जब तक कोई मुझे पसंद नहीं करेगा उन्हें, अच्छा इनको यहाँ रखो, अपने हाथ में पहन ली, बोली मम्मी मैं जाऊँ, हाथ में पहुँच कर रही, तो तब तक वो हमें कहाँ देखेगा ना, तो जब तक मैं किसी को पसंद नहीं करूँगी मैं तब तक कहाँ देखूँगी, जब मैं किसी को पसंद करने लग जाऊँगी तो अपने आप देखने लग जाऊँगी। तो मैं आज की वीडियो का एंड कर लेती हूँ, माफ़ करना आज कुछ खास नहीं दिखा पाई, सोचा तो था बहुत कुछ पर मेरी तबीयत थोड़ी ढीली ढाली चलती है आजकल, तो इसीलिए नहीं कर पाई, तो कल को नए ब्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं कल क्या दिखाते हैं, तो बाय बाय फ्रेंड।